আঞ্জুমানে তালেমুল মুসলিমিন। मेरा नाम है फरहान रफीक है। मैं यतीम बच्चा हूँ। मैं जब गांव में था, जब मैं इधर उधर घूमता था और खेलता था, जब मेरे नाना को मालूम पड़ा कि अंजुमन मलेपुर में स्कूल है, तो मेरा वहाँ एडमिशन कराया और मुझे वहाँ जाके बहुत अच्छे से पढ़ना लिखना आ गया है। मालेकपुर, a small village in Surat district, is 25 kilometers away from Surat city, which is the biggest center of diamond cutting and polishing in the world. In Malekpore, an organization named Anjumane Talimul Muslimin is also working hard towards polishing young minds to produce human diamonds out of unprivileged section of Muslim society since the last 50 years. In 1968, when India was celebrating 20 years of independence, some sympathetic members of Fortunate Muslim Section felt there was a section of the Muslim community which was in backward position, their socio-economic condition getting worse. So these visionaries came forward and established Anjumane Talimul Muslimin Trust to bring the community together and uplift by educational platform. They started by providing scholarships to needy students as the first step. As time passed, more and more people came out for help. And today, the trust has categorized its work under four broad categories: schooling, boys' hostel, scholarship, Islamic school. Anjuman Residential School Complex was established in the year 1990 in Malekpore. हमारी इतनी पोजीशन नहीं थी कि हम बच्चे को आगे पढ़ा पाए। हमने जब मलेकपुर का नाम सुने तो हमको ऐसा लगा कि हमारा बच्चा वहाँ अच्छा पढ़ सकता है, वहाँ अच्छा बन सकता है। इसके लिए हमने हमारे बच्चे को वहाँ एडमिशन दिलाए और वहाँ पढ़ाए, और हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा वहीं पढ़े और कुछ बन के दिखाए, और हमारे को वहाँ से वही उम्मीद है। और हम जो उम्मीद यहाँ नहीं करते थे, वहाँ से हर उम्मीद पूरी होती है। हमारा बच्चा अच्छा पढ़ रहा है और अच्छा बन रहा है, हमारे लिए वो ही बहुत है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साहिल कादर है और मैं सातवीं दौर में पढ़ता हूँ अंजुमन मलेकपुर में। With vigorous efforts of Anjuman Malekpore, poor students from suburban slums surrounded by Surat, Randed, Udna, Un, Karudra and distant backward villages of Mangrol, Vyara, Songar, Nizar, Nausari, Chikli, Vasta and Avadang have started sending their children for education up to 10th standard. ये स्कूल 1990 में शुरू हुआ। शुरू में बच्चे 25 बच्चे से शुरू हुआ था और आज अल्हम्दुलिल्लाह 615 बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। प्राइमरी सेक्शन नॉन ग्रांटेड विभाग है, वो संस्था चला रही है, और सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी सेक्शन ग्रांट एडेड है। इस तरह यहाँ दुरन 1 से लेके 12 तक का शिक्षण हो रहा है। More than 90% students studying in the residential school are being provided free education, lodging and boarding, uniforms, notebooks, medicine and other basic amenities. यहाँ हमारे स्कूल चालू करने का मकसद एक था कि गरीब लोग जो है, जो प्राइमरी सेक्शन और सेकेंडरी सेक्शन में भी एफर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनको जब स्कूल शुरू होती है, जब 2 से 3 हज़ार रुपये की ज़रूरत पड़ती है और करीबन 50-100 रुपये कमाते हैं तो एफर्ट नहीं कर सकते। तो हमारा मकसद ये है कि वो बच्चों को पहले एडमिशन देना चाहिए,
पैसे वालों को बाद में देना चाहिए, पैसे वाले बच्चे तो कहाँ भी जाकर कोई भी स्कूल में पढ़ सकते। Every year, a number of applications are received, but the admission is based on socio-economic criteria, with first preference given to orphans and kids of single parents, followed by selection of other children from deprived section. मैं पहले इधर उधर घूमता रहता था, यहाँ पे उधर काम करने जाता था, चाय की लाड़ी मजदूरी सबके इधर उधर घूमता था। इसके पापा भाग जाएले कब से, समझ लो मरा दाखिल आप कितने साल हो गए नहीं उसका पता लावारी सा। उसकी अम्मा बर्तन धोने को जाएली, अभी लोगों का बर्तन धोने को रात के 9 बजे आती है, जब हमको मिलती है। देखो वहाँ बच्चों को तालीम शिक्षण अच्छी है और दवा खाना भी सब बहुत देखभाल करते हैं, बच्चों का खाना पीना भी अच्छे से करते हैं और शिक्षण भी अच्छी है, तो हमको वहाँ की बहुत अच्छा लगा है। पढ़ाई बहुत अच्छी है, मगर इसके बाद कोई टेंशन नहीं, फिर वो उन लोग ही भरते, हम लोग को कुछ नहीं, दवा खाने में भी यही पैसे भरते हम लोग नहीं भरते। As most of the kids who come here are first generation learners, so the curriculum is characterized by activity based learning to make coming to school a joyful experience. Recruitment of local qualified persons as teachers helps in intensive capacity building. There is a structured evaluation process to assess the learning levels of children. Every classroom now has projector screens and there is internet facility along with online education sessions, more commonly known as live classes. In order to bridge the digital divide, hands-on opportunities are provided to children by setting up computer labs. हमारे स्कूल में 1 से 10 स्टैंडर्ड तक का कंप्यूटर नॉलेज दिया जाता है एज पर सिलेबस, और आज के जमाने में, मॉडर्न जमाने में कंप्यूटर नॉलेज होना बेसिक है। What makes schooling at Malekpore so unique is the beautiful balance of modern education of digital gadgets along with valuing old languages like Arabi, for which special classes are conducted. Furthermore, at Anjuman Malekpore, the main aim is towards overall development of the students, for which the students are trained in higher priority sports such as judo, karate, weightlifts, to name a few. आपने देखा है कि इस ज़माने में एजुकेशन के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर अपने फिजिकली फिट है तो मेंटली भी फिट होते हैं, जिसका पूरा यानी कि उसका इफेक्ट अपने एजुकेशन पर पड़ता है और बच्चा आगे निकल जाता है। With the passing years, the members of Anjuman Malekpore realized that if they want to be more successful in their mission, they have to provide free boarding facilities to the students, so that the students are in better learning environment. It is for the same reason that Anjuman Malekpore established the boys' hostel in 1990. In the beginning, the hostel was for students from 8th to 10th standard. But looking at the great response, the trust now houses a hostel facility for all boys students from standard 1 to 12 with a total capacity of 300 students. जो बच्चे ज्यादातर जो है वो यहाँ पर गरीब बच्चे हैं और यतीम, ज्यादातर बच्चे यतीम भी है, जैसे वो घर पे उसकी माँ उसकी जो देखभाल करती है, इस तरह पर हम यहाँ पर उसकी देखभाल करते हैं, यहाँ पर उसकी खिदमत करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, हम जो है यहाँ के किचन के कुक हैं, हम लोग यहाँ हॉस्टल के अंदर खाना पकाते हैं। हम लोग जो है ना रोजाना 50 किलो जो है तो चावल पकाते हैं, चावल के साथ में रोजाना कभी दाल रहती है या कभी कढ़ी रहती है। रोजाना हम लोग यहाँ जो है 50 से 60 किलो जितनी रोटी भी पकती है, जिसके लिए हमारे पास है जो मशीन रखा गया है, अच्छे से अच्छा जितना बने इतना हम लोग घर की तरह जो पका कर करके हम लोग इनको खिलाते हैं।
वहाँ हर फैसिलिटी अच्छी है, जैसे कि बीमार पड़ जाते बच्चे को दवा खाना ले जाते टाइम पे, फिर वहाँ खेलने का ग्राउंड भी बहुत अच्छा है, जैसे कि शाम को वॉलीबॉल मिलता है अर्धा एक कलाक मिलता है, फिर खाना भी बहुत अच्छा मिलता है वहाँ पे, 3 टाइम खाना मिलता है। There is a dorm system in the hostel, along with extra classes and coaching facilities. Co-curricular activities, like hobby classes and gym, have been provided for the students residing in the hostel. RO plant has been installed in the facility. The students can get hot water for bath and washing machines have been installed for washing clothes. Thus, providing a home-like environment to these students away from their homes. मेरा मलिकपुर में छोकरा पढ़ता है, अच्छा से पढ़ता है, कोई चीज़ के तकलीफ नहीं है, इसके लिए उसको वहाँ पर पढ़ाता हूँ। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम ये कहेंगे कि यहाँ पे जो भी तालीम दी जा रही है, जो भी यहाँ पे खिदमत अंजाम दी जा रही है, इसमें कोई किसी का जाति मकसद या कोई जाति फ़ायदा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर 300 बच्चे हॉस्टल में रहकर भी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ बच्चे गांव के हैं, अतराफ के हैं, लगभग 600 जितने बच्चे यहाँ पर ये पूरे ट्रस्ट के स्कूल में पढ़ते हैं और ये ट्रस्ट स्कॉलरशिप भी देता है। Ever since the inception of the trust, the project has successfully awarded over 5 crores of scholarships to the needy and deserving students for primary level to higher education in the region of 170 rural villages. आजकल फाइनेंशियल कॉलेजों में हायर फी होने की वजह से बहुत से वाली अपने बच्चों की हायर फीस का बोझ उठा नहीं सकते, इसके लिए हमारे पास स्कॉलरशिप के ज़्यादातर फॉर्म आते हैं और जो फॉर्म हैं बहुत गरीब और कम आवक आमदनी वाले और हायर एजुकेशन में जो बच्चे अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं उनके अक्सर फॉर्म आते हैं। उनके फीस के हिसाब से हम लोग मेडिकल एंड इंजीनियरिंग में 40 से 50 हज़ार की मदद पर बच्चों करते हैं, फिर भी इतनी मदद उनके लिए काफ़ी नहीं होती, उनको और दूसरे ट्रस्टों पर भी इतमाद रखना पड़ता है। कोई मेरी कैपेसिटी नहीं थी कि मैं कॉलेज की फ़ीस वगैरह भर सकूँ और आगे पढ़ाई कर सकूँ, इसलिए मैंने रसी चाचा से बात की तो उन्होंने वो जो ट्रस्ट चलता है अंजुमन तालीमुल मुस्लिमीन वाला ट्रस्ट मलकपुर, उन ट्रस्ट में से पूरा स्कॉलरशिप देखे मुझे आज डॉक्टर बनाया। डॉक्टर बनने के बाद मैंने तो सबसे पहले लोकल हॉस्पिटल में प्राइवेट जॉब की, फिर उसके बाद गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आई तो उसमें मैंने इंटरव्यू दिया और मैं पास आउट होके अभी पीएससी पे मेडिकल ऑफिसर के तौर पे अभी आहुआडांग में पीएससी पीपल दाड में काम कर रहा हूँ। Apart from studies, the foundation aims for the holistic development of the students who are away from their homes, for which there is an Islamic school in the campus where there are some 10 Maulavis appointed who provide the students with religious education with the aim to make them like prophetic character. Thus, Anjuman Malekpore in their philanthropic journey so far have been successful in conducting all these educational and co-educational activities excellently and perfectly on self-sacrificing service base without any intention of profit earning. The trust is benefited by many philanthropists and one of them is Mr. Sailesh Bhai Bhakta, who has played a key role in development of the institution. The trust's commendable work over the years has been supported by direct beneficiaries and the community and strongly endorsed by bureaucrats, politicians and educationists. The foundation has got a lot of appreciation for its philanthropic work. And is time and on funded by international organizations like IDRF, GMA, etc. हमारा जो मेन मकसद और मेन काम जो है वो अंजुमन के जो हॉस्टल बॉयज़ हॉस्टल हैं उसके अंदर रहने वाले गरीब तलबा बच्चे जो हैं उनकी रोजिंदी ज़िंदगी के जितने भी अखराजात हैं उसको पूरा करना और
वो अखराजात जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह ATM कनाडा के कलेक्शन से और IDRF करके एक जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिलीफ फाउंडेशन के नाम से पहचानी जाती है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव्स और मकसद जो है दुनिया के गरीब सोसाइटी को एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनको आगे बढ़ोतरी देना, उनकी रोजिंदी ज़िंदगी को जो है एस्टैब्लिश करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो है हमारे साथ 2012 के अंदर पार्टनरशिप की और आज हमारे साथ रह के पूरी फंडिंग जो है उनकी तरफ से यहाँ पे आ रही है। और इसके साथ साथ इस अंजुमन की कामयाबी को देखकर, इस अंजुमन ट्रस्ट के डेडिकेशन को देखकर, IDRF जैसी इंटरनेशनल लेवल की जो एक संस्था, जब हम कहेंगे एक इंटरनेशनल लेवल की जो एक सर्विस जो प्रोवाइड कर रही है इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिलीफ फाउंडेशन कैनेडा, वो इस संस्था से, इस ट्रस्ट से जुड़ी 2012 में और अब वो लोग भी फंडिंग यहाँ पे करते हैं कि यहाँ की हॉस्टल और यहाँ के बच्चों को हर तरह के टूल्स प्रोवाइड कर सके जो एजुकेशन से रिलेटेड हो। Education is a central building block that not only uplifts people from poverty but opens worlds for young minds and enables them to fulfill their potential. Yet for many children in the developing world, such as those who live in Gujarat, they cannot afford the high cost of education to send their young ones to elementary or secondary school, putting them at considerable disadvantage in their lives later. IDRF has been proud to support ATM by providing talented young minds with the tools they need to achieve their dreams. We are pleased that through the generosity of our Canadian donors, we can provide these children with education, books, stationery, food, clothes, physician and specialist checkups, and hostel lodgings to prepare them for trades or higher education. अच्छा, हमारा जो अंजुमन का फ्यूचर प्लान है और मुझे उम्मीद भी है अल्लाह से कि फ्यूचर प्लान में सब लोग भागीदार हो जाएंगे और सब हमको सपोर्ट करेंगे। तो हम एक स्कूल बना, हॉस्टल बनाने वाले हैं जो गर्ल्स के लिए, और उसके साथ एक ITI बनाने वाले हैं जो 10वीं 12वीं पढ़कर बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते, कम परसेंटेज से पास होते, उनको टेक्नीशियन बना देवे, उनको मैकेनिकल या रेफ्रिजरेटर कंडीशन, ऐसे जितने भी ट्रेड है वो सब ट्रेड, कंप्यूटर वगैरह के भी सिखा कर उनको अपने आगे बढ़ा सकते हैं और हुनर में भी आगे बढ़ सकते हैं। हमारे देश को हर चीज़ की ज़रूरत है, सिर्फ ना डॉक्टर इंजन की ज़रूरत है, मैकेनिक के भी और हर सब ट्रेड में काम आते हैं उसकी ज़रूरत है, वो भी हमारे सोचना चाहिए। इसलिए हमने यहाँ फ्यूचर प्लान लिया, इसके लिए हमने 4 बीघा ज़मीन भी खरीदी है और फ्यूचर में तो हमारा ऐसा है कि हमारी अंजुमन एक यूनिवर्सिटी बन जावे, एक कॉलेज बन, कॉलेज भी इसके इसमें हो जावे और हर फैकल्टी इसके माते हाथ हो जावे, ऐसी हमें ऊपर वाले से उम्मीद रखते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि इसमें अपने साथ मिलकर काम करें। Thus, with the sole desire of giving, the Anjuman Malekpore Foundation is restless to serve the community and looks forward for help from all the generous members of the community around the globe. Tu hai saaki to peman bhar de tere dar pe diwana khada hai tu hai saaki to peman bhar de tere dar pe diwana khada hai ke tu hai saaki ke tu hai saaki to peman bhar de सारे सखियों में तू एक सखी है, मर्तबा तेरे दर का बड़ा है।